लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अथर्व भैया बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू लेक्चर। और आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं यार, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि भैया नोट्स कहाँ गायब हो गए, क्योंकि ऐप में ना कुछ समय के लिए नोट्स दिखना बंद हो गए थे। तो सीधी सी बात है, तुम्हारे दिमाग में डाउट आया होगा कि भैया नोट्स कहाँ चले गए। तो नोट्स कहीं नहीं गए हैं, नोट्स वहीं पर है एक ग्लिच के कारण, जो आपकी ई बुक थी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस की और आपका जो नोट्स वाला पोर्शन था वो एकदम से गायब हो गया था। तो वो ग्लिच को सॉर्ट कर रहे हैं, जैसे ही वो सॉर्ट हो जाएगा आपको वापस से नोट्स देखने को मिल जाएंगे। टिल देन अगर आपको बहुत ही अर्जेंटली चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल अभी अर्जेंटली इन एक दो घंटों में चाहिए तो, ठीक है। बाकी वो सॉर्ट हो रहा है, वो ग्लिच जैसे सॉर्ट हो जाए, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, वो ग्लिच जैसे सॉर्ट हो जाएगा आपको नोट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप नए हो तो भाई, अगर पढ़ ले कि आप अभी तक इंस्टॉल नहीं की है तो क्या कर रहे हैं मेरी जान, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर से डाउनलोड कर लेना। विद दैट बीइंग सेड, शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। हम लोग ऐसे ही फटाफट जो है विक्ट्री सीरीज के अंदर हमारे चैप्टर्स फिनिश कर रहे हैं। तो अगर आप नए हो भाई, अगर उस लाल बटन को नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई हमारी तबाही फैम का हिस्सा बन जाओ फटाफट से, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के साथ में। यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, देखो फटाफट हम लोग चीज़ों को समझेंगे पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो प्रोसेसेस जो कि इंसान के जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यूट्रिशन, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, सांस लेना है ना, उसके साथ साथ खाने को पचाना इंपॉर्टेंट है, खाने में से एनर्जी निकालना, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, बराबर है, अरे इतना ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो खून है वही तो सब चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाता है। तो ये सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, इसलिए हम इन्हें बुलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसीव एंड यूटिलाइज फूड मटेरियल्स नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भाई ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म खाना रिसीव करके उस खाने को यूटिलाइज करता है। क्यों करता है, हम बोलते हैं ना कि भाई खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी, खाना नहीं आएगा तो बॉडी कैसे बढ़ेगी, खाना नहीं खाएगा तो हाइट कैसे बढ़ेगी। तो हम लोग जनरली खाना खाने को हमारी ग्रोथ से लिंक करते हैं, बराबर है। तो न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ग्रोथ है ना, सर्वाइवल, खाना नहीं खाएगा इंसान कुछ दिनों के लिए तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी बॉडी में अगर कोई वॉर्न आउट टिश्यू तो उसको रिपेयर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हीटरोट्रॉफिक। सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है बात। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए वो आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, हम बोलते हैं इनको ऑटोट्रॉफ्स। बात करते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता। जैसे कि ह्यूमंस खाना पका सकते हैं, लेकिन क्या तुम अपने पेट के अंदर ऐसे क्या कहते हैं फ्लावर उगा सकते हो क्या, हैं पेट के अंदर भिंडी या फिर आलू उग सकते हैं क्या, नहीं उग सकते, बराबर है। इसका मतलब यह है कि हम भाई सब्जियों को पहले तो पकाएंगे और फिर खाते हैं, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दैट इज वाई वी फॉल अंडर हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। तो इसके अंदर सिंपल से वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है जी। इसके अंदर भी तीन कैटेगरीज है, पहला है होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोफाइटिक, तीसरा है पैरासाइटिक। होलोजोइक मतलब क्या समझा देता हूँ मैं, होलोजोइक मतलब जिसमें एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, क्या कौन सी प्रोसेस, इंजेशन, ठीक है, मतलब खाने को इंजेस्ट किया, इंजेशन खाया, उसके बाद में फिर डाइजेशन, ठीक, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ये प्रोसेस जिन ऑर्गेनिज्म से फॉलो होती है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। दूसरा है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब क्या, तो पैरासाइटिक के अंदर मैं बोल सकता हूँ वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ राउंड वॉर्म की, तो राउंड वॉर्म जो होता है ना, मान लो राउंड वॉर्म एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर रह रहा है, तो वो क्या करेगा ना, अपना जो न्यूट्रिशन है वो उस बॉडी से लेगा, जिस भी बॉडी में वो रह रहा है। जैसे कि मान लो किसी के अज्यूम करते हैं कि किसी के पेट में ये राउंड वॉर्म है ना, तो क्या होता है ना कि वो राउंड वॉर्म उस होस्ट से, जिसके पेट में वो है ना, उस होस्ट से क्या करेगा कि सारा जो है अपना फूड ऑब्टेन करेगा, उसको मारेगा नहीं, ठीक है, उसको मारेगा नहीं। मैंने राउंड वॉर्म मतलब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत ही शानदार एक लाइन हमेशा मैं बोलता हूँ, वो है चोर हूँ भाई साहब खूनी नहीं हूँ। मतलब ये खाने की चोरी जरूर करता है हमसे, लेकिन हमको मारता नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आता है होलोजोइक, तो होगी सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब क्या, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डीकेइंग मैटर से अपना खाना खाते हैं, खाना ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम लोग बुलाते हैं सेप्रोफाइट्स, मतलब जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, एग्जांपल फंगाई, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, या फिर हम बात करने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स की, कि भाई ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं,
ठीक है. सो द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड है ना, प्रोसेस जिससे कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है जी, उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वेरी गुड. ये देखो, ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनता है C6H12O6 जो कि आपका क्या ग्लूकोज है ना, और निकलता है ऑक्सीजन. क्लियर है बात, बहुत बढ़िया. तो ये होती है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की. बहुत सही, तीन स्टेप्स होती हैं, हमको ध्यान रखना है. पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल की मदद से, उसके बाद में फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ये जो हमारा H2O होता है ना, ये H2 और O2 में टूट जाता है. ठीक है, और तीसरी स्टेप क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है फर्दर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि खाना बनता है. ठीक है जी, बहुत सही. तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तीन स्टेप्स हैं, पहला लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, दूसरा लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहे हैं H2 और O2 में. अब ये जो O2 है ना, ये बाहर निकलने वाला O2 है, जो फोटोसिंथेसिस में O2 प्रोडक्ट बनता है ना, वो ये O2 है. ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है कि जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फर्दर रिडक्शन होता है. रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन का मतलब क्या है, ये जो H2 था ना, ये सब मिल जाएगा और आपका जो खाना है वो बनने वाला है. क्लियर है बात. तो रिडक्शन दो तरीकों से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन चले जाए या तो हाइड्रोजन आ जाए. बराबर है, तो ये तीन स्टेप्स हमको याद रखनी है. आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो खैर दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन. तो हमारे इस क्लोरोप्लास्ट में है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है दो टाइप की रिएक्शन होती है, ग्रैना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है. ये चीज़ हमको ध्यान रखना है. ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दूंगा कि ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस दोनों में से डार्क रिएक्शन कौन सी और लाइट रिएक्शन कौन सी, ये आपको पता लगाना है. ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं स्टोमेटा की. तो स्टोमेटा देखो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, स्टोमेटा एक गेटवे है ना, लीफ पे लगा हुआ एक गेटवे है. सिंपल सी भाषा में समझो, लीफ मतलब आपके प्लांट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. मतलब क्या, मतलब ये कि भाई कहां से होगा वो एक्सचेंज, इन्वायरमेंट और अगर प्लांट के बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है तो एक रास्ता होगा ना बीच में, जिस रास्ते से एक्सचेंज हो रहा होगा, तो सिंपल सी बात है वो है स्टोमेटा. क्या है वो, स्टोमेटा है. तो स्टोमेटा क्या करता है, पहली बात तो इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एक गेट की तरह है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, जब वाटर लॉस होता है प्लांट में से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. तो जब वाटर लॉस होता है ना, जब ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है जी, उस केस में क्या होता है कि जब पानी निकल रहा होता है तो वो भी स्टोमेटा से ही निकलता है. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो जब पानी अंदर फ्लो हो रहा होता है तो ये स्वेल, मतलब ये क्या है कि ये स्वेल हो जाता है, देखो यहाँ पर, और जब पानी बाहर निकल रहा होता है तो ये श्रिंक हो जाता है. ठीक है, तो ये एक तुम समझ सकते हो गेट है, जो बाहरी एनवायरनमेंट और प्लांट के अंदर चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. ठीक है, बहुत सही. फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की. सीधा शुरुआत करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई खाना कैसे पचता है, उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं. ठीक है जी, बहुत शानदार. तो यहाँ पर समझो यार, सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, एक एक करके क्लियर हो जाएगा तुमको. सबसे पहली चीज, डाइजेशन जो है ना, इट स्टार्ट्स विथ माउथ इटसेल्फ, है ना, डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है. जैसे आप खाना खाते हो तो खाने के अंदर प्रेजेंट जो स्टार्च होता है, ठीक है, खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट, सिंपलर शुगर या फिर माल्टोज. अच्छा भैया, ये कन्वर्ट हो जाता है मतलब क्या, मतलब कुछ समझा नहीं मैं, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं तुमको बता दूं डाइजेशन का मतलब क्या है. डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो हमारी बॉडी पचा पाएगी. अब तुम सोचो कि जब तुम बड़ी बड़ी रोटी के, एक एक रोटी पूरी पूरी खा जाओगे, है ना, बिना उसको चबाए, बिना उसके टुकड़े करे, तो पेट दुखेगा ना. क्यों? क्योंकि भाई पेट डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, तुमने इतना सारा खा लिया है. ठीक है, तुमने इतना कॉम्प्लेक्स फूड खा लिया है कि पेट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. तो सिंपल सी बात है कि डाइजेस्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना पड़ेगा. तो वही प्रोसेस होती है डाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है. अगर कोई पूछता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ इटसेल्फ. ठीक है, सबसे पहली चीज, मुंह से स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है अपना, वो कन्वर्ट होता है इनटू सिंपलर शुगर, या फिर आप माल्टोज भी बोल सकते हो. ठीक है, कैसे होता है वो तुमको बता देता हूँ. जैसे हमारा खाना जब हम खाते हैं तो जो सलाइवा होता है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज. ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद में खाना हमारे मुंह से हम जो फाइनली निकल जाता है ना, ठीक है, जो हम जैसे कि एक कोल या रोटी का खाया और निकल गए, बराबर है. अब यहां से खाना पेट में जाएगा, तो ये जो पाइप यहां पर होता है ना, उसको हम बुलाते हैं, देखो, ईसोफेगस. जो पाइप वहां पर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं ईसोफेगस.
ठीक है जी, बहुत शानदार। क्या बुलाते हैं? ईसोफेगस बुलाते हैं। अच्छा सीधा इधर लिख देता हूँ मैं, ईसोफेगस बुलाते हैं। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिस कारण जो खाना है वो फाइनली हमारे पेट तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? पेरिस्टाइलिसिस, पेरिस्टाइलिसिस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ठीक है जी, बहुत सही। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, ऐसा आप कह सकते हो, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है इन ईसोफेगस, जिसके कारण जो खाना है, फूड है, वो पेट के अंदर जाता है। ठीक है जी, बहुत सही। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। फाइनली अब जो हमारा खाना है वो पेट में पहुंच चुका है। ठीक है, तो पेट में ना देखो, सबसे पहले एक एक करके चलते हैं। यहाँ देखो कि सबसे पहले हमने खाना खाया, मतलब खाना चबाया हमने, बराबर है। तो बकल कैविटी जो है, जो हमारे दांत है, वो क्या कर रहा है? वो खाने को कन्वर्ट, मतलब खाने को ग्राइंड डाउन करने में हेल्प कर रहा है, बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, मुंह में जो सलाइवा है वो क्या कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ईसोफेगस आया, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हुआ, खाना पेट में गया। पेट के अंदर देखो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ध्यान से समझो, पेट के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ध्यान से समझो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। ठीक है, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। HCl का काम क्या है? देखो, ये जो पेप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है HCl। ये देखो, कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। दूसरा काम क्या है? किल्स द जर्म्स, बराबर है। सेकंड, फंक्शन ऑफ म्यूकस, ये सब किस में प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट है, जो कि कहां से आ रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहा है, जो कि कहां पर है? पेट में। ठीक है, बहुत शानदार। म्यूकस की बात करते हैं, म्यूकस का काम करता है, देखो सिंपल सी बात है यार, कि जो HCl है अपना, HCl तो बहुत खतरनाक एसिड है, हमारे पेट को डैमेज कर सकता है, तो हमारे पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस काम करता है। ठीक है जी, तीसरा है पेप्सिन। अब ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया था, ये क्या करेगा? ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रोटीन्स को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी, बहुत शानदार। सब यहां पर ना चीजों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ही काम करते हैं, मतलब मैक्सिमम जगहों पर तुम यही देखोगे, जैसे कि मुंह में देखा, उसके बाद में यहां पर पेट में देखा, बराबर है। तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक जूसेस जो कि HCl, म्यूकोस और पेप्सिनोजन है। ठीक है, वेरी गुड, तीनों का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है। पेप्सिन क्या कर रहा है? ये प्रोटीन, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, उनको फर्दर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, खाना पहुंचता है पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से जूसेस आ रहे होते हैं, पहला है लिवर से और दूसरा है पैनक्रियास से। ठीक है, तुम ऐसा बोल सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रीशंस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही खाना पहुंचता है ना, तो लिवर से कुछ जूस आता है और पैनक्रियास से कुछ जूस आता है। ये जूस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा था कि जो खाना अब पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, उसको और फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सके, चीजों को और ब्रेक डाउन किया जा सके। तो जो बाइल जूस आता है, लिवर से क्या आता है? लिवर से आता है, देखो, बाइल जूस। कौन सा जूस आता है? लिवर से आता है बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस है ना, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मतलब क्या? सिंपल सी बात है, ये बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, उसको छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम जो है ये बाइल जूस करता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ बाइल जूस का फंक्शन क्या है, सिंपल सी लाइन में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन समझा दिया है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे आपके फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा, पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है ना, वो कौन सीक्रेट कर रहा है? पैनक्रियास कर रहा है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मैं लिखता हूँ पीजे, इसके अंदर होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्या होता है इसमें? होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, बहुत शानदार। ट्रिप्सिन और लाइपेज का देखो फंक्शन क्या क्या है। ट्रिप्सिन का फंक्शन है हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, मतलब ये फर्दर प्रोटीन को जो है वो और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, लाइपेज ब्रेक्स डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, मतलब क्या? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तुमको, तो लाइपेज कहीं ना कहीं फैट्स को और ब्रेक डाउन कर रहा है, और अगर ट्रिप्सिन की बात करता हूं तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन और ब्रेक डाउन कर रहा है। मतलब यहां पर फैट्स फाइनली किसमें कन्वर्ट होते हैं? फैट्स फाइनली कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि प्रोटीन्स फाइनली किसमें कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड्स में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड्स में होते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या हो रहा है, HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है, पेप्सिन बना रहा है, म्यूकस पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम HCl, पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स से ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद में फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पर लिवर से जूस आया, वहां पर पैनक्रियास से जूस आया। ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास में सीख, ये तो समझ गए हम बात। तो जो बाइल जूस आया है, बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब क्या? ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स,
और पैनक्रियाटिक जूस जो आया है उसके अंदर होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन फर्दर इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और लाइपेज ट्रिप्सिन फर्दर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और लाइपेज जो है वो फर्दर इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, मतलब और डाइजेस्ट करता है। तो मैं तुमको बता दिया, तो ये देखो ये फाइनल कन्वर्जन है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, हम जो बोल रहे हैं ना ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं और ये सारे कैसे फॉर्म्स हैं, सिंपलर फॉर्म्स हैं। जो लेफ्ट में लिखे हैं सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं और जो राइट में लिखे हैं सारे सिंपलर फॉर्म्स हैं। गोल यही था कि इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है जी। फिर ना क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर अपना डाइजेशन खत्म हो चुका है, डाइजेशन ओवर, समाप्त, ठीक है, खत्म बात। हमेशा लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ना तो बेल बजती है, हमेशा की बात, हम मतलब मैं कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भले मैं तबाही टेंथ का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भले मैं विक्ट्री सीरीज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेल तो बजनी ही है, पूरे दिन भर बेल नहीं बजेगी लेकिन अभी जरूर बजेगी। तो खैर मैं तो खोलने नहीं वाला, देखते मम्मी खोल देगी शायद बाहर। ओके जी, तो विलय की बात करते हैं। देखो विलय प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विलय है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे 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 ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका काम क्या होता है, पहली बात हमको इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बड़ा करता है, क्यों, जिससे कि क्या होता है ना, जिससे कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है, देखो, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब क्या होने वाला है, इंजेशन खाना खा लिया था, डाइजेशन हो गया, अब खाने को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करोगे तभी तो हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, बराबर है, सिंपल सी बात है ना, एब्जॉर्ब होगा तभी तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंपल सी भाषा में मैं बोलूंगा कि विलय क्या करता है, विलय प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर सवाल आ सकता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप बोल सकते हो कि दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, है ना, ये इसके दो तीन फंक्शन है, पहली बात दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, दूसरी बात कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सर्फेस एरिया बढ़ाते हैं, और तीसरी बात क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, क्यों है, क्योंकि तुम खुद सोचो कि यहाँ से आप खाना एब्जॉर्ब करके बॉडी में पहुँचाना है, तो तुम सोचो कि जो डिपो होते हैं जहाँ पर, जैसे कि गोडाउन होता है, तो गोडाउन पर बहुत सारे ट्रक्स होते हैं, क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना, अब इस सामान को अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, इसलिए बहुत सारे ट्रक्स हैं। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अब पहुँच चुका है, एब्जॉर्ब अब पहुँच चुका है, ठीक है, तो अब वहां से खाने को एब्जॉर्ब करके अलग अलग जगह पहुंचाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अलग अलग ब्लड वेसल्स लगती हैं, ठीक है जी, तो इसलिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये तीन चीज़ हमको याद रखनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, करता है, इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, एंड तीसरी चीज व्हाट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क है, सिंपल सी बात बताऊं तो रेस्पिरेशन एक क्या है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब क्या, मतलब रेस्पिरेशन सेल में होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड या फिर फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो खाना हमने एब्जॉर्ब किया है अब उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बराबर है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बुलाते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग मतलब क्या, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हवा को इनहेल और एक्सहेल करने का जो काम है, जो प्रोसेस है, उसे हम बुलाते हैं ब्रीदिंग। ये बात क्लियर हो चुकी है, घुस चुकी है दिमाग में, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपसे, और मैं बोलूंगा कि डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं लिखना, दो तीन पॉइंट्स लिखने बस। पहली बात तो क्या कि ब्रीदिंग जो होती है वो मैं बोल सकता हूँ कि लंग्स की मदद से होती, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि देखो सबसे पहली बात ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है शायद, हाँ, ब्रीदिंग में क्या होता है कि एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, बराबर है, एक्सहेल इनहेल करोगे एक्सहेल करोगे। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आप एनर्जी निकाल रहे हो, एनर्जी का मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी विद द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, खाना जो खाया है उसे एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो रेस्पिरेशन में आ गया। ये लंग्स में होता है, ये सेल्स में होता है, ठीक है जी। इट इज़ अ फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस, इट इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस, मतलब आप ब्रीदिंग मर्जी से कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ए सेल चल रेस्पिरेशन कर, इट इज़ इनवॉलंटरी प्रोसेस। फिर यहाँ पर ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती और रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा सेलुलर
एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है जो कि सेल के बाहर होती है, और ये इंट्रा सेलुलर है। ठीक है जी, बहुत शानदार। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको हम बुलाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो एब्सेंस में होता है उसको हम लोग बुलाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं, पूरा रेस्पिरेशन आपका इस एक पेज में समाप्त होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो क्या हुआ ना, जैसे ही आपका खाना बना, डाइजेस्ट हुआ, वो पहुंचा अपने सेल पर। ठीक है, वो पहुंचा अपने सेल पर, बराबर है। तो मान लो ग्लूकोज पहुंच गया हमारे सेल तक, जो डाइजेस्ट हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था, अब सेल पर पहुंच गया। सेल ने दरवाजा खोला, ग्लूकोज को अंदर लिया। ठीक है, ग्लूकोज था एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज को बोला कि अब तुझ में से एनर्जी निकालनी है, ग्लूकोज ने बोला। ठीक है, ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म नाम के कमरे में, बराबर है, ध्यान से सुनना। ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म नाम के कमरे में, जैसे ही वो उस कमरे में गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, सेल के अंदर पहुंचा, उसके अंदर गया साइटोप्लाज्म में, जैसे ही वहां पर पहुंचा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, उसका क्या हो गया, आप बोल सकते हो कि ब्रेकडाउन हो गया इनटू पाइरूवेट। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया पाइरूवेट में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, पाइरूवेट क्या है, अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या हो गया, ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। ओके जी, ये जो प्रोसेस है ना, ये एरोबिक, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अरे अपना लाइफ प्रोसेस खुल गया। ठीक है, अच्छा जी, तो ये चीज ध्यान रखो कि भाई जो अपना ग्लूकोज है ना, वो कन्वर्ट हो गया है पाइरूवेट में। ये जो प्रोसेस है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही केस में ये प्रोसेस होती है। तो ये पहली प्रोसेस तो मैंडेटरी है, क्या, ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरूवेट में, ये तो होता ही है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं कि एरोबिक के केस में क्या होता है, एनएरोबिक के केस में क्या होता है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। ये देखो, जब ऑक्सीजन का एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट के केस में, तो ईस्ट के केस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, वहां पर क्या है, रेस्पिरेशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, देखो प्रोडक्ट्स बनते हैं इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। क्या बनते हैं, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनते हैं। ये जो एनर्जी बनी है काफी कम होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, ऐसा समझ लो। ठीक है, बहुत शानदार, क्लियर है बात, बहुत सही। तो ये CO2 जो है ये यहां पर बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि हम जो बोलते हैं ना कि हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 बाहर भेजते हैं, वो मैं समझाऊंगा अभी तुमको कैसे होता है। ठीक है जी, पहला हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ह्यूमंस में, किसमें, ह्यूमंस में, कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है फर्दर ये। ठीक है, ये ह्यूमंस में हो रहा होता है, बराबर है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये जो एनर्जी बनी है ना, काफी हाई होती है, ये जो एनर्जी है ये काफी हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो एक हमने देख लिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक देख लिया हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक तीसरा केस भी होता है, वो भी ह्यूमन से हम लोग देखते हैं, जो कि है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है कि जब आप बहुत दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आपको बॉडी, आपकी बॉडी को आप समझ सकते हो कि एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या, रेस्पिरेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर रेस्पिरेशन ज्यादा करना है ह्यूमन के केस में, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा लगेगा ना, है कि नहीं, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा लगेगा, बराबर है। तो क्या होता है ना कि वो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पाती है, और बॉडी लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही, ऑक्सीजन की कमी में ही रेस्पिरेशन कर डालती है। उस कारण देखो क्या होता है, एनर्जी तो बनती है, लेकिन साथ ही साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और जब हम बोलते हैं ना कि भागते भागते क्रैम्प आ गया पैर में, वो क्यों आता है, वो इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ही आता है, क्योंकि आप भाग रहे हो, भाग रहे हो मतलब क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी एनर्जी तो हमको मिल रही है। लेकिन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड भी बनेगा, और ये लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर व्हाट, फॉर क्रैम्प्स। ठीक है, जो तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये चीज फिर से ध्यान रखना, यहां तक की जो ये प्रोसेस है, ये चाहे एरोबिक हो एनएरोबिक हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, सब में सेम होती है। उसके बाद फिर फर्दर हम देखते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एब्सेंस में कम एनर्जी बनती है और प्रेजेंस में ज्यादा एनर्जी बनती है। ओके जी, बहुत बढ़िया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करेंगे। सिंपल सी बात है, जब इनहेल करोगे तो लंग्स स्वेल हो जाते हैं, बलून में जब हवा भरते हैं तो वो स्वेल हो जाएंगे, है ना, उसमें से जब हवा निकाल देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम इज द केस विद लंग्स ऑल्सो। नीचे देखो एक डायफ्राम होता है, ये देखिए ना, ये डायफ्राम होता है। जैसे आप स्वेल, मतलब जैसे आप क्या करोगे, इनहेल करोगे तो लंग्स स्वेल हो जाएंगे, तो डायफ्राम नीचे चले जाता है, ये देखो, है ना, स्वेल हो गए। और जैसे ही इसमें से हवा निकल जाएगी तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लंग्स, तो डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ये देख रहे हो, डायफ्राम नीचे मूव कर जाएगा। डायफ्राम क्या हुआ कि नीचे मूव कर दिया जब आपने एयर को इनहेल किया है, और
वापस से देखो ऊपर मूव कर गया जब आपने एयर को एक्सहेल कर दिया, क्योंकि जब इनहेल किया तो ऐसे नीचे चलेगा और जब एक्सहेल किया तो ऐसे वापस आ गया। ठीक है, बहुत सही। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो होता क्या है, सिंपल सी बात बता दूं, हमारी बॉडी में ना हमने खाना खाया, उसके बाद खाना जो है उसमें से एनर्जी निकालनी है, तो मैंने कहा चलो ग्लूकोज में से एनर्जी निकालनी है मुझे, तो ग्लूकोज पहुंचा सेल तक, बराबर है। सेल में क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक मान लो रेस्पिरेशन हुआ, क्योंकि ह्यूमंस में एरोबिक होना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ और एनर्जी बन गई, साथ ही साथ तुमने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड बना, बराबर है। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, ये बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसे बॉडी में से बाहर निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सेफ। फिर क्या होता है, जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, तो सेल बोलता है कि मेरी बात सुनिए यार, ये CO2 को वापस बाहर भेजते हैं, तो CO2 गया ब्लड में, ठीक है, ब्लड की मदद से ये आता है लंग्स पर, कहाँ आता है, ये आता है लंग्स की तरफ, तुम बोल सकते हो कहाँ आता है, ये आता है लंग्स के पास, है ना, ये आ गया लंग्स के पास, ठीक है जी। ब्लड लेकर आ गया CO2 को लंग्स के पास में, और ब्लड ने बोला कि भाई इसको बाहर फेंक दो, इसको बाहर निकाल दो, CO2 की कोई इज्जत नहीं बिचारे, उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस कैसे होती है, देखो ये देखो, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ब्लड दिख रहा है यहाँ पर तुमको, कैसे सेल्स दिख रहे हैं, इसकी मदद से, ये ब्लड की मदद से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहुंचा है एल्वियोलाई पर। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है, सो एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, इज व्हाट, इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। हम बोलते हैं ना कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, हम ले रहे हैं ना बाहर से, बराबर है, बहुत सही। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन भी हमारे सेल्स तक कैसे जाएगा। एक तो मेरे बाल पता नहीं है बिल्कुल आड़े तिरछे हो जाते हैं, क्या है ये, कोई बात नहीं। ब्लड, अब ऑक्सीजन हमने, मतलब हमने एयर इनहेल की तो ऑक्सीजन था उसमें, अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, ब्लड की मदद से, बराबर है। और जो हमने वहां पर CO2 प्रोड्यूस किया है वो हमारे ब्लड से बाहर कैसे निकलेगा, मतलब वो हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, ब्लड की मदद से, है ना। तो क्या होता है कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ये एल्वियोल है। तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लंग्स हैं हमारे, बराबर है, अगर तुम ध्यान से देखते हो तो ये लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये अपना नेजल पैसेज है, ये माउथ कैविटी है, फैरिंग्स है और फिर लैरिंग्स है, ठीक है, इनका कोई ऐसा खास हमको डेफिनेशन लिखनी नहीं है। फिर देखो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया ना ऐसी सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ऐसी, मतलब ट्रैकिया ऐसा होता है, ऐसा, इट इज प्रोटेक्टेड बाय सी शेप रिंग्स, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है। फिर देखो नीचे फर्दर ये है अपना, क्या है, दिस इज फर्दर अपना रिंग, वही ट्रैकिया हो गया। फिर ये डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, दिस इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है, और फिर फर्दर ये ऐसे ब्रोंकाई होते हैं ये, और फिर फर्दर दिस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, ब्रोंकायोल्स, रूट्स की तरह है ब्रोंकायोल्स, और फर्दर टिप पे जो है ना, ये टिप, टिप जो दिख रही है, इस टिप पे प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोला है, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो हमने ऑक्सीजन लिया है, अभी ऑक्सीजन समझो सिर्फ फिलहाल, जो ऑक्सीजन हमने लिया है ना, वो ब्लड में जाने का काम, और जो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो ब्लड से बाहर निकलने का काम कहां पर होता है, एल्वियोला में होता है। वो साइट कौन सी है, एल्वियोला है। तो ध्यान से देखो क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है कि आप है ना, यहां पर मान लो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आया, क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से यहां से बाहर निकल जाएगा और कहां जाएगा, CO2 में, ठीक है, कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, बराबर है। और जो बाहर से हमने ऑक्सीजन दिया था वो चले जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जो CO2 है फर्दर हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ गए बात को। और जो हमने ऑक्सीजन लिया था, देखो ये ऑक्सीजन हमने एयर लिया था, तो हम अब सहूलियत के लिए, आसान करने के लिए ऑक्सीजन समझते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है ये आया 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 है ना, और क्या हुआ, ब्लड में चले गया। तो ये हो कहां पर रहा है, ब्लड में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना है ना, और ऑक्सीजन, सॉरी, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ब्लड में ऑक्सीजन का जाना, ये हो कहां पर रहा है, किस जगह पर हो रहा है, एल्वियोलाई पर हो रहा है, इसलिए हम इसको बुलाते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बहुत सही। तो फर्दर देखो, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, सीधा ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, बराबर है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स वाटर्स हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ों को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट ग्रो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हाथ ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस पैर ग्रो हो रहा है, बॉडी का हर पार्ट ग्रो होना चाहिए, और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का मेन एजेंट कौन है, ब्लड, तो बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा जाता है वो ब्लड के द्वारा रखा जाता है, ठीक है जी। इस पर हम लोग आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स हम लोग आएंगे आगे जाके, ठीक है,
इसकी बात हम लोग करेंगे। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में ब्लड होता है ना? आप बोल सकते हो इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, एक ट्रांसपोर्ट लिक्विड है जो कि हमारी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्लड, ब्लड के होते हैं तीन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, और हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स भी देखते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इन तीनों के हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा इज अबाउट 55% वाटर, सॉरी 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, और इसका अबाउट 91-92% इज पानी। मतलब प्लाज्मा का जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, पानी है। बचा हुआ जो 7% है वो प्रोटीन है, कुछ परसेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है और कुछ परसेंट ग्लूकोज है। ये डेटा हर जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, तो एक्यूरेट कई बार भी तुमको नहीं देखने को मिलेगा, पर एक रफ नंबर्स है। पर इससे हमको बस ये समझना है कि भाई प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम तो पानी है, ठीक है, बहुत सही। फिर हम बात करते हैं आरबीसीज की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमने जो भी बात की थी ना कि यार ब्लड में ऑक्सीजन ट्रैवल करके हमारे सेल्स तक पहुंचता है ताकि हम रेस्पिरेशन कर सकें, बराबर है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकें, और जो CO2 बनता है वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है ना। तो हम ब्लड के थ्रू जब बोल रहे हैं ना, तो ब्लड के अंदर भी जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये CO2 और ऑक्सीजन जो है ना, ये हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उनकी आरबीसीज, ब्लड के अंदर भी आरबीसीज की मदद से ये CO2 और ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करते हैं। ये देखो, ध्यान से देखना, यहां पर देखो क्या होता है कि जब हमने हमने क्या किया, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, फिर CO2 जो है वो क्या हुआ कि ब्लड से, ब्लड में से आया और लंग्स के थ्रू बाहर निकल गया। अब देखो हमने क्या किया, वापस एयर इनहेल की, मतलब ऑक्सीजन आया अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एल्वियोलाई पर, हमने बात की थी ना अभी कि एल्वियोलाई पर साइट ऑफ एक्सचेंज, तो जब एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है तो वो हमारे आरबीसीज में जाता है, या आरबीसीज है देखो, है ना। तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आरबीसीज के अंदर जाता है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जाकर इस हीमोग्लोबिन के पास में बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे आपके साथ में बॉन्ड बनाना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बोलता है, ठीक है भाई, इनका एक सफर चल रहा है, बहुत सही। तो ऑक्सीजन जाकर हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड हो जाता है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सिंपल है, बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आरबीसीज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर मान लो कि वो सेल आ गया जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो ये ऑक्सीजन वहां पर उतर जाता है वापस, ठीक है। ये देखो टू टिश्यू सेल्स, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वहां पर आरबीसीज पहुंच गया, ब्लड पहुंच गया। अब क्या हुआ कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन वापस से बाहर निकल गया और उस सेल के पास में चले गया, ठीक है जी, बहुत शानदार। तो आरबीसीज का ये काम होता है। डब्ल्यूबीसीज का क्या काम है, आप मेनली समझ सकते हो कि दे हेल्प अस इन फाइटिंग डिजीजेस। हमारे बॉडी में आप समझ लो कि मतलब इम्यूनिटी समझ लो एक तरीके से, कि हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन बॉडीज आती है ना, जो बॉडीज हमारे से फैमिलियर नहीं है, फिर जो बॉडीज हमारे जो सेल्स आप कह सकते हो कि जो जर्म्स आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, WBCs क्या करते हैं, उनको फाइट करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी को एक तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर बात आती है ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स मतलब सिंपल सी भाषा में जब आपको लगती है, खरोच आती है, तो क्या होता है उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है कि नहीं। तो जो पपड़ी जम गई है ना, वो क्यों जमी है, इन ब्लड प्लेटलेट्स के कारण जमी है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये ब्लीडिंग रोक के, है ना, ब्लीडिंग रोक के क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लड क्लॉट कर देते हैं, जिससे कि फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है और उसके बाद में फिर अपनी नई स्किन फाइनली आ जाती है, ठीक है, बहुत सी। ब्लड के फंक्शंस क्या क्या है यार, जो देखो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के फंक्शन है वही कलेक्टिवली ब्लड के फंक्शंस है कि नहीं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि नहीं, वेरी गुड। तो ये देखो वही सब चीज़ें हैं, पर आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि ब्लड न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, है ना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किडनी और लिवर तक भी लेकर आता है, ठीक है जी, बहुत शानदार। अब हमारी बॉडी में ना ब्लड, जैसे कि हम बोलते हैं कि गाड़ियाँ रोड पर ट्रैवल करती हैं, ब्रिजेस पर ट्रैवल करती हैं, वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो ऐसा तो है नहीं कि बस हमारी बॉडी के अंदर ऐसे खोल के डाल दिया, ऐसा नहीं है ना, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा है, रोड। क्या रोड भैया, अरे ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है इन ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करता है, ठीक है जी। तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हम देखते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सिंपल सी भाषा में समझो, वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को, है ना, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, उन्हें हम बुलाते हैं आर्टरीज। क्या बुलाते हैं, आर्टरीज बुलाते हैं। वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती हैं, है ना, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है, उनको हम बुलाते हैं वेन्स, ठीक है। और इन आर्टरीज और वेन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो होती है कैपिलरीज। समझ गए बात को, आर्टरीज और वेन्स को बीच में ज्वाइन करने वाला जो कनेक्शन है वो कैपिलरीज होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, आर्टरीज हार्ट की दुश्मन है,
ऐसे याद रख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है। वेन्स हार्ट की क्या है? दोस्त है, क्योंकि ब्लड को हार्ट के पास लेकर आ रही है। ठीक है, समझ गए? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हार्ट की। और हार्ट में मतलब एक्चुअल में हार्ट की मदद से ये जो पूरा देखते हैं ना कि ब्लड पंप होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, वो कैसे करता है, क्यों करता है, वो हम समझते हैं। पूरी प्रोसेस मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ, समझ जाओगे इजी है। देखो हम मिडवे प्रोसेस को चालू करते हैं। क्या होता है, कि हमारे सेल्स ने क्या किया कि एनर्जी प्रोड्यूस की और CO2 बना, बराबर है। अब इस CO2 को क्या करना है कि लंग्स तक पहुंचाना है, बराबर है। तो क्या होता है, CO2 ब्लड की मदद से, अब मैं बोल सकता हूँ ब्लड वेसल की मदद से, है ना, किसकी मदद से, ब्लड वेसल की मदद से बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ब्लड कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ब्लड में ट्रैवल, ब्लड कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ब्लड वेसल में ट्रैवल कर रहा है। तो ब्लड वेसल की मदद से क्या होता है कि पहुंचता है कहाँ पर, ये पहुंचता है हार्ट पर, ठीक है, ये जाता है हार्ट पर, ठीक है। हार्ट के पास जाने के बाद में हार्ट को एक फाइनल गुड बाय बोलता है और फिर जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है। और फाइनली जो ये CO2 है वो बाहर निकल जाता है एल्वियोलाई के थ्रू, बराबर है। उसके बाद में लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, बराबर है। फिर अगेन ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल की मदद से, क्या होता है कि हार्ट के पास जाता है। और हार्ट के पास जाने के बाद में फर्दर कहां चले जाएगा, हमारे सेल्स के पास चले जाएगा जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है। अब देखो ध्यान से देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये ऑक्सीजन आया लेकिन एक ब्लड वेसल की मदद से आया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि डायरेक्टली सेल के पास पहुंचने से पहले वो हार्ट के पास जाता है, दर्शन करके आता है हार्ट के, और उसके बाद में देखो वो सेल के पास जा रहा है। फिर देखो क्या हुआ, फिर सेल्स ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, CO2 बनाया, फिर ब्लड वेसल की मदद से ब्लड कहाँ जाना चाहिए, लंग्स के पास जाना चाहिए, है ना, एल्वियोला के थ्रू बाहर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगेन ये जो ब्लड वेसल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हार्ट के पास जाता है, आखिरी दर्शन करता है और फिर वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू तो जाता ही है। अब हम पूरी प्रोसेस समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम लोग बुलाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी में से एनर्जी बन गई, CO2 बन गया, तो बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचता है हार्ट में, किसकी मदद से? देखो वेना कावा की मदद से। ये देख रहे हो, ये जो दो ब्लू तुम वेसल्स देख रहे हो ना, दो ब्लू ब्लड वेसल्स देख रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा लाता है और इन्फीरियर, मतलब लोअर बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा जो है वो ब्लड लाता है, ठीक है। बहुत शानदार। अब ब्लड में ना चार चेंबर्स होते हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी। बहुत शानदार। तो हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड विद फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है हार्ट में विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। अब ध्यान से देखो, वेना कावा क्या कर रहा है, वेना कावा ब्लड को हार्ट के पास ला रहा है ना। तो वेना कावा क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी या फिर एक आर्टरी हो जाएगी, वेना कावा एक वेन हो जाएगी, क्योंकि वेन्स ब्लड को हार्ट के पास में लाने का काम करते हैं, ठीक है जी। फिर ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। बहुत सही। और फिर यहां से ये ब्लड देखो, यहां पर बीच में प्रेजेंट है एक वॉल्व जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। इसके बाद में क्या होता है, देखो ये ब्लड जो है यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पर्पल ब्लड वेसल की मदद से, है ना, ये देखो इस पर्पल ब्लड वेसल की मदद से देखो बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मतलब क्या, ये जो ब्लड है ये सिर्फ दर्शन करने आया था इस हार्ट के, ऐसे समझो इसको, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने फाइनली एक बार हार्ट को देख लिया, बराबर है। अब इस पर्पल कलर की ब्लड वेसल की मदद से ये जाने वाला है लंग्स के पास में, क्यों? क्योंकि हमने बात की थी ना अभी, ये देखो अभी हमने बात की थी, कहाँ गया, यहाँ पर लिखा था मैंने कि भाई जो बॉडी में से हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लिया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, वो हार्ट के पास जाएगा, वहां से जाएगा लंग्स के पास में, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो ब्लड वेसल जा रही है कहाँ जा रही है, ये लंग्स के पास जा रही है, लंग्स के पास जा रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, लंग्स के पास जा रही है। तो देखो यार यहाँ पर लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, तो लंग्स मतलब हार्ट से जो ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट लंग्स तक लेकर जा रही है उसको हम बुलाते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है इसलिए आर्टरी है, बराबर है, क्लियर है बात। अब क्या हुआ, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, है ना, और ऑक्सीजन ब्लड में आ गया। हमारा रिवाज क्या है, हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है जब ब्लड में आएगा
तो पहली बार वो कहाँ आएगा, हार्ट के पास आएगा दर्शन करने के लिए हार्ट के, बराबर है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन अब ब्लड में आ गया, अब ब्लड कहाँ आने वाला है, वापस से हार्ट के पास आएगा। तो ये देखो ये जो पल्मोनरी वेन्स दिख रही है ना, ये और ये क्रीम कलर की जो ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। इन पल्मोनरी वेन्स की मदद से ब्लड वापस से हार्ट के पास आता है, लेकिन इस बार जो ब्लड आया है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है ना, कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है जी। क्या हुआ, अब ये ब्लड हार्ट के पास में आ गया है ना, यहां से आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फाइनली ये जो आप देख रहे हो ना रेड कलर की ब्लड वेसल, ये देखो यहां से ऐसे इस रेड कलर की ब्लड वेसल से, ये देखो इधर से फाइनली अब हमारी बॉडी के पास चले जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए बात, तो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं क्लियरली। वेना कावा की मदद से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर ये जाएगा लंग्स के पास में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकल जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में आ चुका है, अब ब्लड हार्ट के पास वापस से आएगा, बराबर है, उस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। ब्लड हार्ट के पास में वापस आया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर आयोटा की मदद से हमारी पूरी बॉडी में चला गया। अच्छा आयोटा क्या है भैया, आर्टरी है क्या, बिल्कुल आर्टरी है, क्यों, क्योंकि देखो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, तो इसलिए आयोटा एक आर्टरी है, और आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है जी, ध्यान रखना कभी सवाल आ गया तो, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो आपने देखा कि एक साइकिल में हार्ट के पास ब्लड कितनी बार आया, दो बार आया, तो इसको हम लोग बुलाते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्या बुलाते हैं, डबल सर्कुलेशन बुलाते हैं। ये देखो यहां पर क्या हुआ, हमारी बॉडी में से ये ब्लू कलर का ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो देखो ये बॉडी में से वेना कावा की मदद से लंग में आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, फिर गया ये लंग्स के पास में, है ना, लंग्स में जाने के बाद में क्या हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड बन गया, फिर ये देखो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट एट्रियम में, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहां से देखो आयोटा की मदद से हमारी पूरी बॉडी में चले गया। एक चीज ध्यान रखना कि वेन्स, देखो बीच में क्या है, कैपिलरीज है, क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज का काम करती है वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइंट करने का काम करती है ना, तो जा तो वेन से रहा था लेकिन सॉरी जा आर्टरी से रहा था लेकिन आ वेन से रहा था, बराबर है, तो वेन्स सॉरी आर्टरी से वेन्स में ब्लड गया कैसे होगा, कोई ना कोई बीच में कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन को हम बुलाते हैं कैपिलरीज, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि मान लो ये एक रोड है ना, और ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है मान लो, ठीक है जी, पहुंचे। अगर इस रोड पे मैं जा रहा हूँ और मुझे यहाँ मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ और मुझे इस रोड पर ऐसे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये बीच के रास्ते का हेल्प की मदद लूंगा ना, यहाँ से ऐसे आके, तो ये जो बीच का रास्ता, ये क्या है, कैपिलरीज है, खत्म बात, क्या है, कैपिलरीज है, ओके जी, बहुत शानदार, आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, वही वो प्रेशर जो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स पर एग्जर्ट करता है, उसको हम लोग बुलाते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स, ये चीज हमको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर हम उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जो रिलैक्सेशन के टाइम पर प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, वेरी गुड। तो बीपी बहुत कारणों से बढ़ या फिर घट सकता है, उसमें से टेंशन एक चीज है, तो अगर तुम एग्जाम की टेंशन वेंशन लेते हो ना, तो भाई बिल्कुल टेंशन ना लो, अपने को बीपी वगैरह नहीं बढ़ाना अपना। जनरली ये ओल्ड एज में हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं बीपी वाली, कि बीपी बढ़ गया है, बीपी की प्रॉब्लम है, है ना, तो ये जनरली होता है ओल्ड एज में, पर अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बीपी नहीं बढ़ाना अपना, ठीक है, बहुत सही। फिर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लिम्फ, लिम्फ क्या करता है यार, लिम्फ इज अनदर फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। तुम बोल सकते हो कि जहां पर ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां पर लिम्फ पहुंच जाता है, ठीक है। लिम्फ बना कैसे, क्या हुआ ना कि जब ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, सॉरी ब्लड जब इंटर सेलुलर स्पेसेस में क्या बोल सकते हो कि तुम निकल गया, तो वो लिम्फ बन गया। जैसे कि देखो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, ये जब इंटर सेलुलर स्पेसेस में एस्केप कर जाते हैं ना, तो जो वहां पर बन जाता है उस फॉर्मेशन को हम बुलाते हैं लिम्फ, ठीक है। तो कुछ प्लाज्मा ब्लड वेसल्स और अपना प्रोटीन्स जब रेगुलर इसमें से कुछ इंटर सेलुलर स्पेसेस में एस्केप कर गए, तो वहां पर बन जाता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ कलरलेस होता है, आप बोल सकते हो लिम्फ कलरलेस होता है। लिम्फ का एक काम है, ये आपको पूछा भी जा सकता है कि ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना, ये ना फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकता है, ठीक है जी। तो ये दो तीन चीज हमको ध्यान रखनी लिम्फ के बारे में, ओके, वेरी गुड। ये देखो इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच, फिर एक्सेस टिश्यू फ्लूइड्स को ड्रेन अवे करता है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज।
फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ, जो हम बोलते हैं ना कि एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, तो लिम्फ की मदद से फैट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद में लिम्फ रिटर्न्स प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस, तो जो प्रोटीन गुमनाम प्रोटीन जो है वो जो भाग गया था उस प्रोटीन को वापस से ब्लड को सौंपाने का काम भी कभी कभी लिम्फ कर देता है, ठीक है जी। क्लियर है बात, घुस गए दिमाग में, घुस चुके दिमाग में, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन की। 10-15 मिनट का और चैप्टर बचा है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अगर तुम डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि मेरा पुराना लेक्चर जाकर देख लो, है ना। मैं यहाँ पर तुमको क्विकली एक चीज समझा देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक्चुअल में होता कैसे, मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, साथ ही साथ में फूड का ट्रांसपोर्ट भी कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो, अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट। मतलब हम बॉडी में, मतलब हम प्लांट में देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, जाइलम और फ्लोएम जो होता है, ये जो आपके दो टिश्यूज हैं, ये क्या करते हैं, मतलब ये जो है ये क्या करते हैं, ये पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो जाइलम जो है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है जी। यहाँ पर देखो, पानी किन दो तरीकों से हमारे प्लांट्स जो हैं, प्यारे प्यारे प्लांट्स जो हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट होता है, तो समझाता हूँ मैं क्या होता है। देखो, एक तरीका है ट्रांसपीरेशन, क्या होता है ट्रांसपीरेशन में, जैसे कि यहाँ पर अपने मान लो कि ये यहाँ पर पानी, मान लो बिल्कुल नेम ऐसे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, सेल्स है और पानी है। क्या हुआ कि यहाँ से ट्रांसपीरेशन के कारण पानी का लॉस हो गया, बराबर है, तो यहाँ पर एक वेकेंट जगह क्रिएट हो गई, तो यहाँ से पानी इधर चलेगा, फिर इधर से इधर चलेगा, फिर इधर एक वेकेंट क्रिएट हो गई, तो इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। तो ट्रांसपीरेशन के कारण पता है क्या हुआ कि पानी का लॉस हुआ, वेकेंट जगह क्रिएट हुई, तो पिछले सेल में से मतलब नीचे से पानी ऊपर आ गया, है ना, फिर नीचे जगह क्रिएट हुई तो नीचे वाले से और ऊपर आ गया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ ना, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये देखो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, बराबर है, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो अब वैकेंसी क्रिएट है मतलब पानी को उतारना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर पानी रूट्स में से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि पानी रूट्स में से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगेन मैं तुमको बोलूंगा कि अगर तुमको बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा पुराना लेक्चर जाकर देख लेना, उसके अंदर मैंने ये क्लियरली समझाया है, पर अभी के लिए बस इतना समझो, अभी के लिए बस इतना समझो कि भाई यहाँ पर बहुत सारे अपने मान लो सेल्स थे, है ना, यहाँ पर पानी है, ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल है, क्या हुआ कि ट्रांसपीरेशन के कारण पानी का मॉलिक्यूल चले गया, है ना, उड़ गया। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट होगी तो पीछे वाला जो है वो आगे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता लाइन्स में, मतलब क्या होता है कि जब मॉल में लाइन लगी होती है बिल करवाने के लिए, तो जब एक की बिलिंग हो जाती है तो पीछे वाला आगे आता है, फिर इसकी बिलिंग होगी तो इसके पीछे वाला आगे आएगा, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर पानी का लॉस हुआ, इसके पीछे का जो पानी का मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ गया, फिर इसका नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर इसके नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर इसके नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर नीचे वाला ऊपर आ गया, फिर नीचे वाला ऊपर आ गया। फाइनली एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आएगा जहाँ पर नीचे से पानी लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, जो सॉइल है ना, सॉइल से पानी लिया जाएगा, तो रूट्स क्या करेंगे, रूट पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और इस मदद से पानी जो है वो हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा तरीका है रूट प्रेशर की मदद से। देखो हमको पता है यार, हमको पता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ ड्रॉ करता हूं मैं, हमको पता है यार, मान लो कि अपना रूट है ना, तो सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं वाटर प्लस मिनरल्स, और अपने रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं वाटर प्लस मिनरल्स, बराबर है। अब क्या होता है ना कि प्लांट अपनी थोड़ी सी एटीपी खर्च करके, एनर्जी खर्च करके क्या करता है, मिनरल्स को अंदर ले लेता है, क्या करता है, मिनरल्स को अंदर ले लेता है। अब क्या था कि अंदर और बाहर वाटर और मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बराबर था, इसलिए कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, बराबर है, बहुत सी। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि इस प्लांट ने होशियारी करके बाहर से मिनरल्स को अंदर ले लिया, ठीक है जी। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अंदर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और पानी का कम हो गया, है ना, पानी का कम हो गया, राइट। तो अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है और बाहर ज्यादा है ना, तो क्या होगा, पानी लो कॉन्सेंट्रेशन से, सॉरी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो कर जाएगा, इसलिए क्या होता है कि पानी इसके अंदर फ्लो कर जाता है। तो इसने उल्टा गेम खेला, ऐसे खाने की बजाय ऐसे खाया, मतलब क्या, पहले मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्वेंट का कम हो गया ना, सॉल्यूट का बढ़ गया, मिनरल ज्यादा हो गए। अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो चुका है, बाहर ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करेगा, बराबर है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होगा, पानी इसके अंदर फ्लो कर जाएगा,
बराबर है, द वॉटर विल फ्लो इनसाइड दी, इनसाइड वॉट, इनसाइड दी रूट्स, और फिर उसकी मदद से फिर क्या होगा कि खाना जो है वो सॉरी पानी जो है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा क्या है, ट्रांसलोकेशन, मतलब क्या ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ना, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है जी। जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनसाइड अ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अगर इसके बारे में तुमको डिटेल में समझना है तो 4-5 मिनट का मैंने एक डिटेल्ड पोर्शन करवा रखा है मेरे एक लेक्चर के अंदर, वहां पर तुम जाकर देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर थोड़ा सा क्विकली चीजों को पढ़ रहे हैं, पर इतना तुम याद रख सकते हो कि भाई ट्रांसलोकेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है जी। तो अगर वो आपको देखना है मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हो, जरूर देख लेना, क्लियर हो जाएंगी चीजें अगर आपके पास समय है तो। बहुत तेज तेज बोल रहा हूं मैं, रैप गॉड बन चुका हूं। तो क्लियर है बात, दो तरीकों से पानी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एक है ट्रांसपीरेशन, दूसरा है रूट प्रेशर, ठीक है। इन दो तरीकों से प्लांट्स में पानी जो है वो आता है, मतलब प्लांट्स जो है वो पानी फर्दर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं दूंगा, तुम्हें मुझे बताना है कि पानी जो है, तुम्हें मुझे बताना है कि पानी का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो कैसा होता है, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर ही पानी मूव कर सकता है क्या, या फिर ऊपर से नीचे भी कर सकता है। और दूसरा, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे प्लांट में वो क्या सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, या फिर वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ये तुमको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या फूड का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है, या फिर क्या पानी का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है, और अगर है तो रीजन भी देना साथ में, ठीक है, ये टाइम स्टैम्प को मेंशन करके। क्लियर है बात, अब हम लोग ये बात हमने कर ली, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सक्रीशन की तरफ और फिर हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को, हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम ह्यूमंस में देखते हैं और प्लांट्स में भी देखते हैं, ठीक है जी। पहले प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत काम के होते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर पानी, ठीक है, फिलहाल के लिए ऑक्सीजन समझो। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के समय पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए क्या हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, है ना। ऑक्सीजन क्या हो गया, प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन सोचो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है, राइट। फिर मैं बात करता हूँ ट्रांसपीरेशन की, बात करता हूँ ट्रांसपीरेशन की, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के अंदर भी क्या होता है, पानी का लॉस हो रहा है, बराबर है। अच्छा, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं बाय द वे, ये मत समझना कि प्लांट्स रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है, फोटोसिंथेसिस दिन में हो सकता है, रात में नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में चल रहा होता है, ठीक है जी। रेस्पिरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। फर्क इतना है कि दिन में क्या होता है ना कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में जो CO2 बनता है ना, प्लांट इसी CO2 को अगेन फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर लेता है, तो इसलिए ज्यादा CO2 प्लांट छोड़ता नहीं। लेकिन रात के समय में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, मतलब प्लांट CO2 छोड़ रहा होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो चलता रहेगा, बराबर है। तो प्लांट CO2 छोड़ता है लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है अब, है ना। इसलिए बोला जाता है कि रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, रात को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में क्या होता है, ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रात में ये ज्यादा CO2 छोड़ रहा होता है, बराबर है, वेरी गुड। ओके, ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड वाटर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है जी। उसके बाद में ये देखो, तुम प्लांट्स पर ना तुमने देखा होगा ये गम्स, रेजिन्स, रबर, लेटेक्स, ये सब लगा होता है जो कि प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर लगा होता है ये, ठीक है जी। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकाल के यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि गम्स, रेजिन्स, रबर वगैरह क्या होते हैं, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर अ प्लांट। फिर हम बात करते हैं ह्यूमंस में एक्सक्रीशन की। तो देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये देखो ध्यान से, ये किडनीज है, है ना, ये जो दो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये यूरेटर्स हैं, ठीक है। ये जो आपको एक बड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है जी। बहुत से क्लियर है, फॉर्म्स द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो होता क्या है, सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। किडनीज जो होती है ना, वो क्या करती है, ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती है। ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो भी बोल सकते हो कि खराब चीजें हैं, वो फिल्टर आउट करती है किडनीज।
किडनी का यही काम होता है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करती है, और जो भी वेस्ट को फिल्टर आउट किया है उसको फिर फाइनली यहां से बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि किडनीज आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन इन द एब्डोमेन, किडनीज दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, है ना। किडनीज प्रोड्यूस यूरिन, ये जो यूरिन बनता है, हम बोलते हैं ना यूरिन जो बनता है, यही जो यूरिन है वो किडनी में से पास होकर फाइनली ये ब्लैडर में स्टोर होता है। तो देखो सिंपल सा सीन बताता हूं क्या होता है कि ब्लड आता है, ब्लड प्यूरीफाई होता है, बराबर है, प्यूरीफाई हो रहा है मतलब क्या, तुम समझ सकते हो कि जो भी यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारी निकलती है, है ना, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये जो यूरिन है ये इसमें सारी वेस्ट प्रेजेंट है, ये यूरिन को हम बाहर निकालना है, बराबर है। तो क्या होता है कि किडनीज ये वेस्ट बनाती जाती है और क्या होता है कि यूरेटर की मदद से इस ब्लैडर में पहुंचा देती है, है ना। ये जो ब्लैडर है यहां पर जो यूरिन है वो स्टोर होती है। तो तुमने देखा होगा कि काफी समय बाद, जैसे कि तुमने पानी पिया, बराबर है, पानी पिया उसके बाद में थोड़ी देर तुम रुके हो रुके हो रुके हो, किडनी अपना काम कर रही है, किडनी क्या कर रही है, ब्लड को प्यूरीफाई कर रही है, कर रही है, कर रही कर रही कर रही कर रही। उसके बाद क्या होता है ना कि जो यूरिन बना है वो ये ब्लैडर में जाकर स्टोर होने लगता है, और ब्लैडर की भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होगा ना कि ब्लैडर की कैपेसिटी फुल होने लगेगी तो हमको प्रेशर बनना चालू होता है, बहुत जोर से लगी है, बहुत जोर से जाना है। वो क्यों जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि अभी जो ब्लैडर है ना ये फुल हो चुका है, बराबर है, इसमें यूरिन अब भरता जा रहा है और ब्लैडर अब फुल हो चुका है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, अगर तुम किसी भी पानी की टंकी को फुल कर दोगे तो फिर वो ओवरफ्लो होने लगेगी। सिमिलरली जब ये ब्लैडर फुल होने लगता है तो फिर हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाता है कि भाई बहुत जोर से लगी, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर जब आप जाते हो फाइनली इस यूरेथ्रा की मदद से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, बराबर है, और फिर हमको शांति मिलती है क्योंकि फिर ये ब्लैडर अब रिलैक्स हो चुका है, शांति मिली है इसको क्योंकि अब इसमें से जो यूरिन है वो बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो मोटी मोटी ये एक प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं किडनी की, कि किडनी के अंदर हम जो बोल रहे हैं कि ब्लड में से वेस्ट निकल रही है, तो एक्चुअली किडनी में होता क्या है। ध्यान से देखो, किडनी के अंदर ना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है किडनी का। ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये काम करते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करने का। तो अब मैं तुमको यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझा दूँ कि एक्चुअली यहाँ पर ये यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे। देखो होता क्या है ना कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, बराबर है। तो यहाँ पर ब्लड आता है काफी तेजी से। आप देखोगे जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना, ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ये काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर से आ रहा है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत प्रेशर से आने के कारण ये ग्लोमेरुलस है, है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड आने के कारण, बहुत प्रेशर से आने के कारण क्या होता है, इसका मेन कारण पता है क्या है? मेन कारण ये है ना कि यार ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इट इज एक्टिंग एज अ छन्नी, है ना। वो नहीं होता कि छन्नी में आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऊपर रह जाती है और जो वेस्ट है वो नीचे निकल जाता है, या फिर जो वेस्ट है वो रह जाता है और जो इंपॉर्टेंट है वो सारा नीचे निकल जाता है, बराबर है। तो यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस वही काम करता है, बहुत प्रेशर से ब्लड आता है ना, जिससे कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत प्रेशर से आने के कारण जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटीज हैं वो सारी निकल जाएंगी यहाँ से, है ना। और क्या होगा कि फिर ब्लड जो है वो वापस से यहाँ से ऐसे चले जाएगा, है कि नहीं। बहुत प्रेशर से आया छन्नी के, मतलब वो जो बहुत प्रेशर से आया और उसके अंदर से जो वेस्ट थी वो निकल गई और फिर ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बराबर है। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन होता क्या एक्चुअल में कि ऐसा तो होता है, जरूर होता है कि जो भी यहाँ पर अपना ब्लड के अंदर वेस्ट था वो यहाँ से एस्केप कर गया इनटू द वूमेन्स कैप्सूल। लेकिन हुआ ये कि उस वेस्ट के साथ साथ कुछ काम की चीजें भी ब्लड में से बाहर निकल गई। ब्लड आया फटाक से, प्रेशर से ब्लड आया, है ना, उसके अंदर से जो भी वेस्ट थी वो बाहर निकल गई और फिर ब्लड यहाँ से वापस निकल गया, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर से आया था, अब गया है लो प्रेशर से। तो हाई प्रेशर से आने के कारण जो वेस्ट वगैरह थी वो निकल गई, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी ब्लड में से बाहर निकल गई, जैसे कि अमीनो एसिड्स, जैसे कि कुछ मिनरल्स, जैसे कि पानी, एक्सेस वाटर, है ना। तो ये सारी चीजें हमको वेस्ट में नहीं भेजनी है, ये सारी चीजें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर है। ये देखो इसलिए क्या होता है, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिगिंस इन द नेफ्रॉन इन द किडनी, ब्लड ट्रेवल्स थ्रू अ कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय द वूमेन्स कैप्सूल। ये ब्लड ट्रेवल किया और जो वेस्ट वगैरह थी वो एस्केप कर गई, बराबर है। लेकिन हमको पता है कि जो मेन अपनी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, वो यूरिया है, बराबर है। लेकिन यूरिया के साथ साथ अमीनो एसिड्स, है ना, एक्सेस वाटर, पानी बोल देता हूं मैं, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये जो है ना, ये भी कुछ एस्केप कर जाते हैं जिनको ब्लड में वापस लाना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि भाई गलती से गलत लोगों को सजा हो गई है, उनको वापस लाना पड़ेगा। वैसे क्या हुआ कि बेचारे अमीनो एसिड्स, पानी, मिनरल्स, इनको गलत सजा हो गई है, इनको बाहर नहीं निकालना था तो इनको वापस लाना पड़ेगा।
तो वो चीज होती है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में। नाम में लिखा हुआ है देखो, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाली थी वो तो निकाल दी, यूरिया वगैरह वगैरह, लेकिन यूरिया के साथ साथ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स भी चले गए, तो इनको रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसलिए नाम दिया है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टेड चीजों को रीअब्सॉर्ब करना। ध्यान से देखो, दिस रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिलेक्टिवली अलाउइंग सब्सटेंसेस टू बी रीअब्सॉर्ब एक्सक्लूडिंग दोज नॉट नीडेड बाय द बॉडी। ध्यान से देखो, यहां पर ये यहां पर क्या हुआ, ब्लड आया जिसके अंदर वेस्ट वगैरह है, ये यहां पर एस्केप कर गया, बराबर है, तो काफी हद तक प्यूरिफाई हो गया, काफी हद तक प्यूरिफाई हो गया और फिर यहां से देखो वापस निकल गया। लेकिन अब क्या हुआ कि यहां पर जो वेस्ट बनी, वेस्ट निकली है, उसके अंदर, वेस्ट के अंदर क्या है ना कि कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी है। तो ये देखो, यहां से नीचे आया, यहां पर सीलिया प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि ऐसे वो चीजों को नीचे भेजते हैं, है ना। तो क्या होता है कि यहां पर अब ये जो नीचे ब्लड जा रहा है, बराबर है, या फिर जो मैं बोल सकता हूं कि जो यूरिया जा रहा है, बराबर है, या फिर जो वेस्ट जा रही है उसके अंदर कुछ काम की चीजें भी है। तो क्या होता है कि यहां पर, यहां से चीजें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, जैसे कि आपका मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्ट्स, पानी, या फिर आपका कुछ अमीनो एसिड्स, वो यहाँ पर, ये क्लीन ब्लड जो है, क्या हुआ था कि ये गंदा ब्लड आया और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो भी वेस्ट वगैरह थी वो उसने फेंक दी बाहर, है ना, और फिर यहाँ से वो क्लीन होके चले गया, बराबर है, क्लीन होके चले गया। लेकिन एक चीज समझो कि जो उसने वेस्ट फेंकी थी उस वेस्ट के साथ साथ कुछ काम की चीजें भी चली गई, तो उन्हें भी वापस ब्लड में डालना पड़ेगा। तो यहां से ये जो ब्लड है ना, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और फिर फर्दर हमने क्या किया कि जो काम की चीजें थी लाइक अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स, उनको यहां पर वापस से ब्लड में डाल दिया, ठीक है, तो यहां पर वापस से ब्लड में डाल दिया, तो यहां से अभी क्लीन ब्लड अब हमारी बॉडी में चले जाएगा। समझ गए बात को, बस इतना ही है इसमें कि भाई कुछ काम की चीजें भी निकल गई थी, उन्हें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करना पड़ गया, ब्लड तो अपना यहां पर आया और सारी वेस्ट देकर चले गया, यहां से बढ़िया क्लीन होकर निकल गया, लेकिन फिर ब्लड ने देखा कि भाई मैंने गलती से यूरिया के साथ साथ बहुत सारा अमीनो एसिड, सॉल्ट, इन चीजों को भी भेज दिया है, इनको तो वापस लेना पड़ेगा, तो इसलिए ब्लड यहां पर पास में आया। देखो मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये वेसल देख रहे हो, ये पास में यहां पर है, है ना, जिससे कि क्या हो सके कि ये जो काम की चीजें हैं लाइक अमीनो एसिड्स और अपना वाटर और सॉल्ट, ये वापस से रीअब्सॉर्ब हो सके। फिर रीअब्सॉर्ब हो गया और फिर फाइनली क्लीन ब्लड जो है हमारी बॉडी में पहुंच गया, ठीक है जी, बहुत शानदार। ये देखो, तो ये होता है ना, ये यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये, कि यहां पर ये ब्लड फाइनली गया 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 और यहां पर ये हेनलीज लूप दिख रहा है। तो ये हेनलीज लूप क्या है, ये हेनली लूप के अंदर जो सॉल्ट है, पानी है, वो रीअब्सॉर्ब होता है। ये जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये देखो यहां पर ये ब्लड वेसल सराउंडेड है, तो यहां से जो ये अच्छा खासा ब्लड निकला था ना, फिर उसी में ये जो अपना वाटर और मिनरल है ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और फाइनली यहां से जो यूरिन अपना जो बना है, अब फाइनली यूरिन बन चुका है, अब फाइनली यूरिन बन चुका है, तो ये जो यूरिन है अब फाइनली यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और ये जो देख रहे हो ना तुम, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से कनेक्टेड है, है ना, तो ये मान लो ऐसा कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसा कलेक्टिंग डक्ट है, है ना, तो इस नेफ्रॉन से, 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 सबसे इसमें क्या हो रहा है कि यूरिन कलेक्ट हो रहा है और फिर फाइनली ये जो है ये ब्लैडर में जाएगा और फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। दैट बीइंग सेड, द चैप्टर हैज कम टू एन एंड, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, नीचे लिंक अवेलेबल है, आप जाकर नोट्स यूज कर सकते हो। अगर आपको तबाही टेंथ में एनरोल करना है, जो कि हमारा बहुत ही शानदार सा एक कोर्स चल रहा है, अगर आपको उसमें एनरोल करना है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर एनरोल कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, अगर नए हो चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो, लाल बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। विद दैट बीइंग सेड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे होम, सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, दिस इज अथर भैया साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, लव यू ऑल और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अगर कल ही पेपर है तो, ठीक है, गुड बाय।